तालिबान निराज के 100 दिन। भुखमरी और गरीबी ऐसी कि एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा बेचने को मजबूर हुए अफगानी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अफगानिस्तान में हालात पहले भी खराब थे, अब और बदतर हो चुके हैं। यहाँ जारी संकट एक त्रासदी में बदलने के कगार पर पहुँच गई है। अर्थव्यवस्था ढह चुकी है और बड़ी तादाद में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में भुखमरी और अकाल की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया और आप देख रहे हैं एक मिनट चलिए रुक करते हैं बच्ची की कहानी पर। काबुल में तालिबानियों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे उससे भी पहले आ चुके थे। हमारे लिए हालात पहले भी आसान नहीं थे, लेकिन अब इतने मुश्किल है कि हर दिन एक संघर्ष बन गया है। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, इस बार यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा साल था, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं अपने घर में कैद हूँ। बीते 100 दिनों में मैं घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ, अपने शहर की गलियों को ही नहीं देखा। इसी के साथ ही बच्ची ने बताया, बहुत सी बच्चियों की पढ़ाई छूट गई है। माँ बाप उन्हें स्कूल भेजने से नहीं भेज रहे हैं, डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं तालिबान उनके घर दस्तक ना दे दें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आगे बढ़ने और इस दौर से गुजरने का रास्ता सिर्फ एजुकेशन ही है। मैं अपने घर पर आसपास की बच्चियों को पढ़ा रही हूँ। एक छोटा सा अस्थायी स्कूल मैंने अपने कमरे में शुरू किया है। रोज़ाना करीब 30 बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। मेरे स्टूडेंट के लिए हालात मुश्किल हैं। यहाँ 3 से 4 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक की बच्चियाँ हैं। इन सबके परिवार में आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत गिर रही है। अफगानिस्तान में सर्दियां आ चुकी हैं। मेरा शहर तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान के पास है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरे 2 छात्र हैं, उनके सर पर सर ढकने के लिए गर्म टोपी तक नहीं है। वो कांपते हुए आते हैं और मैं किस तरह उनका ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें टोपी दिला सकूँ। इनके पिता की टांग टूटी हुई है, वो काम नहीं कर सकते। तालिबान उनकी माँ को काम करने नहीं दे रहा है। इनके घर में हालात बहुत मुश्किल है। कई बार उनके घर में खाने के लिए नहीं होता है और पड़ोसी मदद करते हैं। यहाँ मैं के हालात समझ सकते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट के माता पिता ने अपने घर चलाने के लिए 2-3 महीने की बेटी बेच दी। वो इतने मजबूर हैं कि अपने बच्चों को भरपेट खाने के लिए अपना बच्चा ही बेच दिया। ये कुछ दिन पहले की ही बात है। अपनी बहन को बेचे जाने के बारे में बात करते हुए मेरी स्टूडेंट बहुत रो रही थी। यह परिवार मेरे घर के पास ही रहता है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर एक निसंतान परिवार ने उनकी बेटी को खरीद लिया। अब वो अपने घर का खर्च चला पा रहे हैं। या ऐसे बहुत से परिवार हैं जो गरीबी और भुखमरी की वजह से अपने बच्चे बेचने को मजबूर है। कोई खरीदार हो तो वो 40-50 हज़ार में बच्चा बेच देंगे और इससे 4-5 महीने का खर्च चल पाएगा। मेरे पास 30 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं कर रहा है। लोगों ने यह पहले ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने घर के सामान बेचे, लेकिन अब लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो अब अपने बच्चे ही बेच रहे हैं। कई बार तो बच्चियां भूखे पेट ही पढ़ने के लिए आती हैं। मेरा अपना परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मेरे पिता इस समय बेरोजगार हैं और माँ जो है एक शिक्षिका है, उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे वो भी तालिबान ले गए। कुछ फाउंडेशन यहाँ लोगों की मदद करते हैं और राहत भेजते हैं, लेकिन तालिबान उनसे भी आधा हिस्सा ले लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के लिए आई मदद में भी तालिबान हिस्सा ले गए थे। तुर्कमेनिस्तान में अपनी सीमा बंद कर रखी है। बहुत से लोग उज्बेकिस्तान गए हैं। मेरी कई दोस्त अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जा चुके हैं। मेरे चाचा का परिवार इस समय पाकिस्तान में है। यहाँ हर कोई देश छोड़कर जाना चाहता है। पहले मैं सोचती थी कि अफगानिस्तान में ही रहूँगी और अपने लोगों की सेवा करूँगी, लेकिन अब मैं और भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और ना ही यहाँ से जाने का कोई रास्ता। अभी तालिबानों ने स्कूलों को खुलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बहुत लोग डर के वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। मेरे शहर के आसपास दाई से इस्लामिक स्टेट भी अपना दायरा बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मुख्य मस्जिद पर दाइश ने अपना काला झंडा लहरा दिया था, इससे लोगों में डर फैल गया। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।